हेलो फ्रेंड्स, मिनीचर स्टाइल एक डिज़ाइन को कैसे बनाएं, उसका बॉर्डर डिज़ाइन कैसे करें, उसको मोल्ड लेकर रीइंस्टॉल कैसे करें, रिप्रोडक्शन और कंप्लीट ये फोटोग्राफ से कैसे बनाएं, पूरा दिखाता हूँ आप लोगों को ये प्रोडक्शन टेराकोटा के लिए। वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। पहले मिट्टी का स्लैब ये बना के इसको ग्रिड बना लिया और ग्रिड का ऊपर फ्री हैंड ड्राइंग। नेचुरल गंगा मिट्टी में काम करेंगे। इस गंगा मिट्टी में टाइल्स को बनाया और सेम मिट्टी लेकर इसके ऊपर रिलीफ बनाएंगे। ये बहुत ही डिटेल काम है, लेकिन कैसे बनाएं पूरा वीडियो को देखिए। इसको बनाएंगे, इसको बॉर्डर को बनाएंगे, पूरा डिज़ाइन को बनाएंगे, मोड़ लेंगे, कास्टिंग भी करेंगे। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में है। मिट्टी लगाने का प्रोसेस सेम प्रोसेस रिल्फ में जैसे लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेयर का हिसाब से आप मिट्टी को लगाते जाइए। टेंशन का कोई बात नहीं है, आप मिट्टी है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है, कटिंग कर सकते, एडिंग कर सकते जब मर्जी। छोटा छोटा फिगर है दोनों साइड में, तो बहुत डिटेल काम है। लेकिन देखिए, मैंने जो ब्लॉक का हिसाब से फिगर को बना रहा हूं, पहले यहां पे और भी छोटा है, दो फिगर, दो नहीं तीन। तो ये छोटा फिगर को देखिए ब्लॉक में मैंने कैसे डिवाइड करके मिट्टी को ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मिट्टी का ऐड करने का तरीका आपको ध्यान से देखना भी है और इस प्रोसेस को फॉलो करना है। ये एक बार आप कर ले तो क्या होगा, इसका फिनिशिंग का टाइम जल्दी होगा, फटाफट ये काम हो जाएगा। अभी हल्का हल्का पानी लेकर पूरा जो डिजाइन है, जो मिट्टी लगाया उसमें सरफेस को स्मूथ कीजिए। देखिए यहां पे भी एक मजेदार चीज है, जो सरफेस है अप्स एंड डाउन से ये ठीक ठाक यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद आप टूल्स ले लीजिए और साइड में जो आउटलाइन है इसको क्लियर कीजिए, ताकि आपका जो डिजाइन है ये बाहर निकल का है। अभी बारी है बॉर्डर का डिजाइन, यहां पे बीच में एक बार करके इसको मोल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मोल्ड भी बनाना है, टाइम भी लगेगा, सूखना भी है, तब तक ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा और उस साइड में इसको काम भी कंप्लीट करके मोल्ड भी सूख जाएगा, है ना। क्योंकि मेरा ये लगभग 12 पीस चाहिए, तो 12 पीस अलग अलग करके बनाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग काम है और अच्छा भी नहीं होगा, तो इसीलिए एक पीस बना के इसको मोल्ड कर लेंगे। पीछे जो पाउडर मैंने लगाया किस लिए है, चिपक ना जाए, ये टल्क पाउडर है। इसको करके यहां से उठा लेंगे और मोल्ड करेंगे। तो देख लीजिए डिजाइन को कैसे बनाते हैं। इसमें मिट्टी ऐड करने का कोई जरूरी नहीं है। यहां पे सिर्फ मिट्टी को कटिंग करके आप बना सकते हैं। इस टाइप का बहुत सारा डिजाइन, ये जैसा मोल्ड मेकिंग प्रोसेस पीओपी का, ये भी मेरा चैनल पर अपलोडेड है, मैं आई बटन में दे देंगे, आप लोग वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं। बाकी है तब तक ये डिजाइन को कर लेता हूं। जो डिटेल डिजाइन देखिए, रिपीटेशन जो डिजाइन है, ये सिंपल टेक्सचर कोई भी टूल्स यूज करके आप बना सकते हैं। फिर भी मैं कुछ डिजाइन कैसे बनाते रिपीटेशन ये दिखा देता हूँ। देखिए कितना सिंपल है, दिमाग लगा के काम करें तो बहुत अच्छा अच्छा सुंदर डिजाइन पैटर्न आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन क्या क्या टूल्स मैंने यूज किया आप लोग देख लीजिए, बहुत सिंपल। अभी ये छोटा मिनिएचर एकदम स्टाइल का फेस कैसे बनाए देखिए,
ब्लॉक को डिवाइड करके बन गया। इसको भी और एक बार दिखा देता हूँ। एक बहुत कम टाइम में बनाना पड़ेगा क्योंकि 4-5 घंटा मेरा हाथ में है, इसी में इसको कंप्लीट करना है। बहुत जल्दी है, क्या करें। तो इससे भी बहुत अच्छा डिज़ाइन डिटेलिंग कर सकते, तो आप लोगों को इसको दिखाएंगे, बाद में भी दिखाएंगे और भी इसको डिटेल करेंगे। तो आप लोगों को जितना टाइम मिले उतना टाइम पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये भी बहुत डिटेल डिज़ाइन है, फिर भी आपको स्क्रैच करके बनाना है। एक एक फेस का भी डिटेलिंग देखिए, छोटा है लेकिन करना पड़ेगा। आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप का बहुत अच्छा अच्छा काम और भी देखने को मिलेगा। थैंक यू। अपलोडेड वीडियोस में मैं आई बटन में दे देंगे, बहुत सारा वीडियोस रिलेटेड वीडियोस है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो मैं लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके भी इसका डिटेल पार्ट भी देख सकते हैं। कॉइल देखिए, छोटा एकदम पतला सा कॉइल बना के ऐसे ऐड कर सकते, और इम्प्रेशन कुछ नहीं है, ये छोटा सा एक गोलाई का इम्प्रेशन, कुछ पेन का सीस भी आप यूज़ कर सकते। इस टाइप का इम्प्रेशन देकर आप डिज़ाइन बना सकते। अभी ये जो मोल्ड सूख गया, तब तक इसको जो 12 पीस चाहिए टाइल्स बॉर्डर के लिए, ये उठा लेता हूँ, ये देखिए, और इसको असेंबल करना है। लेकिन क्या है, इसमें गैप है तो गैप को भरना है, तो पहले इसको असेंबल करके गैप को भरेंगे और जितना छोटा मोटा करेक्शन करना है उसको कर लेंगे, और पूरा के पूरा इसको मोड़ लेना है। टेराकोटा ये फायरिंग करना है, टेराकोटा कास्टिंग होगा दूसरा मिट्टी पे, तो इसीलिए देखिए इसको बॉर्डर कट के पूरा नीट एंड क्लीन बॉर्डर कटिंग करके, ये देखिए एक केरोसिन ऑयल दे दिया, ये मोल्ड बन गया, ये टेराकोटा प्रोडक्शन हो गया।